राजस्थान में विश्व शांति मानव सेवा समिति द्वारा स्कूली बच्चों के साथ एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में बाल श्रम हटाओ, बच्चों का बचपन बचाओ, देश का अपमान ना करें, कूड़ेदान का प्रयोग करें, जल ही जीवन है, खुद को जागरूक बनाएंगे, बेटी शिक्षित बनाएंगे आदि नारों के साथ गढ़ी तिवारी की पुलिया से नगला चूरा तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यह था कि सभी व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ने में आने वाली कठिनाइयों का मिलकर सामना करें, बाल मजदूरी को रोकें। निकाली किस संबंध में रैली निकाली है? रैली जो निकाली गई आज, आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, जो हर साल 10 दिसंबर को पूरे विश्व में, भारत में, अन्य सभी देशों में मनाया जाता है। इस रैली का उद्देश्य होता है कि बच्चों को एवं नागरिकों को एवं समाज के व्यक्तियों को उनके अधिकारों को जागरूक करना और बच्चों को वो जो शिक्षा है उस शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं उनको इनके करीब करना कि ये मानवाधिकार दिया गया है, इसके माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। और ये किस बैनर तले आपने किया है? ये बैनर हमारा ये विश्व शांति मानव सेवा समिति रजिस्टर्ड आगरा उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों को शिक्षित करना, समाज में ऐसे व्यक्ति या ऐसे नागरिक जो अपने अधिकारों से वंचित हैं या अधिकारों से बिल्कुल जानकारी नहीं रखते हैं, तो इन व्यक्तियों को, नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और समाज में व्याप्त ऐसी कमियों को दूर करना जो हर नागरिक के लिए होनी चाहिए उनको पूरा करना इस समिति का उद्देश्य है कि हम इस समिति के माध्यम से उन व्यक्तियों को उनके अधिकारों दिला सकते हैं। शहर फिरोजाबाद में पहली बार वैष्णवी हेल्थ क्लिनिक। यहाँ पर डायबिटीज, थायराइड, जोड़ों का दर्द, खांसी, खुजली, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, सीने में दर्द, सीओपीडी, पेट की बीमारी आदि का इलाज किया जाता है। खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।